ऑल राइट सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे प्रीवियस वीडियो पे मैंने कहा था कि मेरी बाइक रिजर्व में चली गई थी, तो एक भाई ने कमेंट करके कहा कि भाई R15 में कौन सा रिजर्व आता है। तो यार, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि R15 में रिजर्व नहीं होता, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिप ऐप का इंडिकेटर आ चुका है और साथ में यहाँ आपको रीडिंग दिख रही है किलोमीटर में। इट मीन्स अभी बाइक रिजर्व में ही है। मैं ये नहीं कह रहा, आप यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं अपनी प्यारी बाइक को रिफ्यूल करवाता हूँ, देन उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे एक शांत से जगह पे और आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे हाथ में फ़ोन लेके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज ये टूट गया है और मेरा फ़ोन दो बार गिर चुका है ऑलरेडी। अब मैं तीसरी बार नहीं चाहता कि मेरा फ़ोन गिरे, सो मैं हाथ में ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग किया था दिल्ली टू अजमेर, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप लोगों में से काफ़ी लोगों के DMs आए और मुझसे ये पूछा गया कि भाई आपने आउट ऑफ दिल्ली राइड पर जाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की थी। एंड जो मैंने मोबाइल होल्डर लिया है उसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मोबाइल होल्डर कैसा है और कितने का है, कहाँ से लिया, तो काफ़ी कुछ था। एंड जो मैंने ग्लव्स लिए हैं मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है और इस वीडियो को एंड तक देखे बिना स्किप किए और इसमें आपके पैसे भी बचने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि ये मेरी फर्स्ट आउट ऑफ दिल्ली ट्रिप थी और मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे इस ट्रिप से पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं। एंड मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि मेरी बाइक करीब 1000 किलोमीटर कंटिन्यू चलने वाली है, तो बाइक की सर्विस ज़रूरी है। एंड अगर आप लोग भी किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं तो मेक श्योर कि आपके बाइक का क्लच, ब्रेक और चैन क्लीन करके चैन ल्यूब ज़रूर कर लें और मेक श्योर कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, बिकॉज अगर आपके ट्रिप के बीच में इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके टाइम और पैसा दोनों ज़्यादा लग सकते हैं और आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। अगर आप चाहें तो RSA पॉलिसी भी अवेल कर सकते हैं। RSA पॉलिसी आपको सिर्फ 307 रुपये में 1 ईयर के लिए मिल जाती है और 1 ईयर में आप इसे करीब 4 बार यूज़ कर सकते हैं। एंड RSA पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए और उसे अवेल करने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहें तो राहुल सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनका आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं RSA पॉलिसी अवेल करने के लिए। तो अब बात करते हैं मोबाइल होल्डर की, बिकॉज़ जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ का रास्ता हमें पता ना हो तो वहाँ पर हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है और ड्राइव करते वक्त मैप देखने के लिए हमें मोबाइल होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। एंड मोबाइल होल्डर भी ऐसा होना चाहिए जिसके एजेस शार्प ना हो और वो हमारे मोबाइल को टाइटली होल्ड करे एंड वो हमारे मोबाइल को चार्ज भी करे, बिकॉज जब भी नेविगेशन हम यूज़ करते हैं तो हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए हमें ऐसा मोबाइल होल्डर चाहिए था जो हमारी बैटरी को चार्ज भी करे। और मुझे अभी मोबाइल होल्डर पे ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने थे, इसलिए मुझे सस्ता सुंदर टिकाऊ मोबाइल होल्डर चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया। तो सबसे पहले मैं गया हमारी अपनी दुकान Amazon पे, वहाँ मैंने सर्च किया तो मुझे ये मोबाइल होल्डर मिला जिसकी प्राइस थी 375 रुपीज़। बट मैं डिलीवरी के लिए 2-3 दिन का वेट नहीं कर सकता था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लोकल शॉप पे एक बार पता करूँगा कि वहाँ पर कैसी डील मुझे मिलती है, और मुझे ज़्यादा ना ढूंढते हुए मुझे ये मोबाइल होल्डर मिल गया। तो ये है वो मोबाइल होल्डर जो इस बॉक्स में आया है, जिसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मोबाइल होल्डर देखने को मिलता है और साथ ही में मिलता है हमें ये रबर स्ट्रिप्स जिससे हम अपने मोबाइल को और भी ज़्यादा मजबूती से होल्ड कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आपको एक्स्ट्रा रबर पीसेस देखने को मिलते हैं, अगर फ्यूचर में कोई रबर पीस आपसे खो जाता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही ये आपके मोबाइल की बॉडी को स्क्रैच से बचाने के लिए दिया गया है। तो अब करते हैं इस बॉक्स को साइड। इस मोबाइल होल्डर को आप डायरेक्ट बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट R15 में आगे के साइड फाइबर में ही कनेक्शन दिया गया है, तो मैं उसी से ही कनेक्ट करने वाला हूँ। और मुझे दोनों ही मोबाइल होल्डर की कोई गारंटी वारंटी नहीं मिल रही थी, तो मेरे ऑनलाइन लेने का और उसके आने तक का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। दोनों ही मोबाइल होल्डर भगवान भरोसे थे, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक।
सो मैंने ये मोबाइल होल्डर ले लिया बिकॉज इसके एजेस शार्प नहीं थे, क्योंकि इसमें रबर प्रोटेक्शन मिल रहा था, इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी थी और मुझे चार्जर चाहिए था जो कि इसमें अवेलेबल था, और मुझे ये सिर्फ 300 रुपीस में मिल गया। Oh my God! Wow! जिससे मेरे थोड़े पैसे भी बच गए और मुझे अमेज़न की डिलीवरी का भी वेट नहीं करना पड़ा। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बट उसके लिए आपके पास टूल होना चाहिए। मेरे पास तो टूल नहीं था, इसलिए मैं अपने घर के पास एक वर्कशॉप पे गया जो मुकीम भाई की वर्कशॉप है, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने फिर फाइवर को ओपन किया। बट अब दिक्कत ये थी कि इसके साथ कोई प्लग नहीं आता, इसलिए ये वायर जितनी आसानी से प्लग के अंदर जाती है उतनी आसानी से ये प्लग से बाहर भी आ जाती थी। तो इसके लिए मुकीम भाई ने क्या किया कि एक प्लग लिया और इस वायर में कनेक्ट किया और इसे परमानेंट कर दिया, जिससे कि अभी ये निकलेगा नहीं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच मुकीम भाई, एंड अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस शॉप से मैंने मोबाइल होल्डर बाय किया था उसी शॉप से मैंने ये ग्लव्स भी बाय किए हैं जो कि प्रो बाइकर के हैं, जो मुझे अमेज़न पे मिल रहे थे 355 रुपीज़ में, और मुझे उस शॉप में मिल गए सिर्फ 300 रुपीज़ में, जिससे मेरे कुछ पैसे भी बच गए। और ग्लव्स को मेरा ऑनलाइन ना लेने का सबसे बड़ा रीज़न था इसका साइज़, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पहले इसे पहन कर देखूँ और जो कम्फर्टेबल साइज़ हो मेरे लिए वो मैं बाय करूँ। तो इस वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि आप भी कोई भी डील लेने से पहले आपने घर के आसपास सर्च कर सकते हैं, क्या पता आपको ऑनलाइन से बेहतर डील्स मिल जाएं और आपके पैसे भी बच जाएं। एंड ये मोबाइल होल्डर और ग्लव्स बेस्ट नहीं है, ये बस मैंने अपने काम चलाने के लिए लिए हैं। आने वाले टाइम पे जब हम अपनी राइडिंग किट तैयार करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊँगा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कौन से हैं और कौन से ब्रांड्स के आपको लेने चाहिए, कौन से बेहतर होंगे। तो आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और यूज़र नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।